हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से शिक्षक और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती का नोटिस जारी हुआ है, जहां हम आज बात करने वाले हैं जिस जिले से वैकेंसी आई है, पीलीभीत जिला है। लास्ट डेट जो है इसकी 17/7/2023 है, इस विज्ञापन में दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। यहाँ पर महिला ही जो है वो आवेदन कर सकती है, ये आप सभी जानते हो। तो एक बात जो है वो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, मेरी रिक्वेस्ट ही समझिए कि जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जिन भी वैकेंसी की मैं बात करती हूँ, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पर शेयर करा करिए, ताकि अन्य जो बच्चे देखते हैं तो उनको यहाँ से हेल्प मिल सके। तो यहाँ पूर्णकालिक शिक्षिका महिला जो है वो अंग्रेजी के जो कितने पद हैं, 4 पद हैं। यहाँ आपको 22,000 सैलरी मिलती है, रहना खाना पीना यहाँ सब कुछ आपका अरेंजमेंट यहीं स्कूल में होता है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, आवासीय स्कूल होते हैं। यहाँ उम्र जो है वो दी गई है, उम्र न्यूनतम जो है वो 25 वर्ष रहेगी और अधिकतम जो है 45 वर्ष रहेगी। तो उम्र का तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 25 से 45 में जो है वो आप सभी आ जाएंगी। निर्धारित योग्यता अगर हम बात करें तो जो टीजीटी की डिमांड होती है, यानी कि आपने स्नातक में उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रही हैं, और साथ में जो है वो टेट पास होना चाहिए, ठीक है। और टेट में भी पेपर 2 उच्च प्राथमिक स्तर का जो पेपर है वह आपने पास किया हो। यहाँ टेट जो है आपने स्टेट टेट या आपने सी टेट पास किया हो, ठीक है, तो आप दोनों ही एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये नहीं लिखा है कि जो है स्टेट टेट मांगा गया है, ठीक है। सी टेट वाले और अपने जो स्टेट में जो टेट होता है, ठीक है, राजस्थान में रीट होता है, आर टेट होता है, तो वह सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला जो है, तो यहाँ पर हिंदी के पद जो हैं 2 हैं, और क्वालिफिकेशन वही रहती है, उम्र वही रहेगी, 22,000 सैलरी जो है वो आप सभी को मिलेगी जो भी पूर्णकालिक शिक्षिका होंगी। इसके अलावा विज्ञान के जो है वो कितने पद हैं, 4 पद हैं। सामाजिक विज्ञान के 5 पद हैं। तो यहाँ पर इस जिले में जो है, पीलीभीत जिले में जो है वो अधिक पद दिए गए हैं सामाजिक विषय के। कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता हो कि ये बहुत कम है वैकेंसी, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जिले वाइज अगर हम काउंट करेंगे और फिर जो है स्टेट लेवल पर हम देखेंगे तो वैकेंसी काफी हो जाती है। यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका जो महिला है उसकी 5 वैकेंसी है मैथ्स की, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आ जाती है पार्ट टाइम जो शिक्षिका है, शारीरिक शिक्षा के जो हैं वो 5 पद हैं, कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प के 5 पद हैं, ठीक है। तो अंशकालिक जो शिक्षिका है महिला है उसकी जो पेमेंट है वह 9800 है, ठीक है, 9800 है। उम्र वगैरह सब कुछ यहीं पर वही रहेगी जो कि पूर्णकालिक महिला शिक्षिका की रहती है। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर की 7 वैकेंसी है, अंशकालिक शिक्षिका की 9800 रुपये आपको मिलेंगे। नॉन टीचिंग पदों पर भी वैकेंसी यहाँ इस स्कूल में की जा रही है, तो 1 पद लेखाकार का है, मुख्य रसोईया के 2 पद है, उसके अलावा फिर जो है वो 2 पद है सहायक रसोईया के, चौकीदार महिला, ये भी सब महिलाएं ही रहेंगी, ठीक है, 1 पद है। यहाँ पर विद्यार्थी जो है वह भी जो है लड़कियां ही होती हैं और टीचर्स जो है वह महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। तो आवेदन पत्र भरने के लिए आपको मुख्य वेबसाइट जो है उस पर जाना होगा। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीलीभीत जो है जो जिला है वह कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश पीलीभीत में जो है वो आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, भरिएगा। नोटिस बोर्ड पर लिखा है सबसे नंबर 1 पर ही, एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट इन कस्तूरबा गांधी स्कूल। जैसे ही आप जो है इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। इसके अलावा अर्हता एवं शर्तें, ठीक है, और भी क्या है तो आप यहाँ पर जो है वो पढ़ सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है वो बता दिया था। इसको डिटेल में जो है वो आप लोगों को पढ़ना है, लिंक जरूर मैं शेयर करूंगी। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है वो मुख्य वेबसाइट का अभी ही जो है ले लें, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं जो है मिलता है यहाँ पर। यहाँ जो वैकेंसी निकलती है जिले वाइज, जैसे 17/7 जो है ज्यादा दूर नहीं है, आज 12 है और 17 जो है इसमें केवल 5 ही दिन आपको मिलते हैं। बाय पोस्ट जो है वो आप लोगों को करना होगा, और पोस्ट भी जो है वो साधारण पोस्ट नहीं होगी, यहाँ पर स्पीड पोस्ट आपको करनी पड़ेगी। ये जो है इसका फॉर्म है, इसको क्या करना है आपको, इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के और इसको जो है वो फिल करना है, ठीक है। अपनी फोटो लगानी है, स्व प्रमाणित फोटो लगानी है, आवेदित पद का नाम, विषय और ये सब को जो है वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो है वो अपने सिग्नेचर करके और इसको भेज देना है।
और एड्रेस जो है वो आप लोग ये डाल देंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो किसी प्रकार का जो है वो आप लोगों से वैसे फीस तो नहीं ली जा रही है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पर जो है वो आप रजिस्टर पोस्ट जरूर करें, साधारण पोस्ट आपको नहीं करनी है, आपका पहुंचेगा ही नहीं। और साथ में जितने भी आपकी फोटो कॉपी होती है आपकी मार्कशीट की, प्रमाण पत्रों की, तो उनकी फोटो कॉपी इनके साथ जो है वो अटेस्टेड जरूर करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है 9 नंबर पर, आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जो जितने भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड है, ये सभी चीजें प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित यानी खुद के साइन करके उस फोटो कॉपी पे और छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई फीस तो नहीं लग रही है आप लोगों की, तो आप लोग जो है वो बिल्कुल स्पीड पोस्ट ही करें ताकि जो है वो फटाफट पहुंच जाए।